वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे सेरम का रिव्यू जो बेसिकली आपके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स या जो सन से आपकी स्किन डैमेज हो गई है, सन स्पॉट्स हो गए हैं, उन पे काम करेगा। सो यस, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड सैटन बाय GNC। और ये है एक फेस टोनर जिसके अंदर आपको अल्फा आर्बिटिन, कोजिक एसिड, हाइलोनरिक एसिड एंड एलोवेरा। यू कैन इमेजिन एक सेरम में आपको चार इन्ग्रीडियंट्स इतने अच्छे वाले मिल जाते हैं कि आपको इसको यूज करने के बाद अलग से कोई भी हाइलोनरिक एसिड या कोजिक एसिड इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यस, डिटेल में हम इस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे एंड देन मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इसको यूज करते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे इसको यूज करते हुए यू कैन सी मैंने इतना इसको फिनिश कर दिया है। तो मुझे 20-25 दिन हो गए हैं यूज करते हुए। सो डिटेल में अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिफोर एंड आफ्टर मेरी स्किन की क्या हालत थी। सो या मेक श्योर की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कीजिएगा एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी गाइस। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल इसकी पैकेजिंग की। सो ये आपको मिलता है कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड बॉक्स में। दिस इज सैटन बाय GNC, के अंदर आपको अल्फा आर्बिटिन, कोजिक एसिड, हाइलोनुरिक एसिड एंड एलोवेरा मिल जाता है। क्वांटिटी आपको मिलेगी 30 ml एंड प्राइस आपको पे करनी होगी, MRP इसकी 799 मेंशन है गाइस, बट ये आपको जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है उससे अगर आप मंगवाओगे तो आपको और भी कम प्राइस में ये मिल जाएगा। सो बेसिकली ये आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, ब्लेमिशेस, इन सब पे वर्क करता है। सो यस, आपको यूज कैसे करना है वो यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। एंड बात करें इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की गाइस, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी सबसे इंप्रेसिव बात इस ब्रांड की मुझे ये लगती है कि जो भी इसके हीरो इंग्रेडिएंट है वो फर्स्ट रहते हैं, ना कि वो लास्ट में लिखते हैं। काफी ब्रांड्स ऐसी होती है कि दिस इज नियासिनेमाइड सीरम, बट जो नियासिनेमाइड है वो इनके लास्ट 2 लाइन्स में आता है। सो उसकी क्वांटिटी उन्होंने बहुत कम डाली होती है, बट इसके अंदर यू कैन सी लाइक वाटर है, अल्फा आर्बिटिन सेकंड है, उसके बाद हाइलोनुरिक एसिड है, कोजिक एसिड है। सो जो टॉप के चार इंग्रेडिएंट है वो इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है वो ही है। तो यस, इंग्रेडिएंट वाइज ये काफी ज्यादा अच्छा है। वन बाय वन बात कर लेते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट कैसे वर्क करता है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, अल्फा आर्बिटिन आपके सन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स इन पे वर्क करेगा। तो जो भी आपके चेहरे पे दाग धब्बों की प्रॉब्लम है वो बेसिकली अल्फा आर्बिटिन से कम हो जाती है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, दैट इज हाइलोनुरिक एसिड। सो हाइलोनुरिक एसिड बेसिकली ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, जो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है, लाइक जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर का उसको होल्ड करके रखता है आपकी स्किन पे। तो स्किन को ड्राई एंड डल नहीं बनाता है, काफी हाइड्रेट, सॉफ्ट एंड सप्पल आपकी स्किन इससे लगती है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, दैट इज कोजिक एसिड, जो बेसिकली एंटी एजिंग का काम करता है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपकी स्किन को यूथफुल, जो भी फ्री रेडिकल डैमेज हो गया है स्किन का, वो हील करने में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट एलोवेरा, वी ऑल नो कि एलोवेरा एक ऐसा वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है जो हर स्किन टाइप, हर स्किन प्रॉब्लम के लिए अच्छा काम करता है। सो यस, दिस इज द आउटर बॉक्स पैकेजिंग। बात करें इसकी इनर बॉक्स की, तो ये मिलती है आप को ये कांच की एक बॉटल है जो कि ड्रॉपर के साथ आपको मिलेगी। एंड सी द कंसिस्टेंसी, एकदम लाइक थोड़ा सा ये वाइट ट्रांसपेरेंट सा कलर है इसकी, और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे इतनी ज्यादा सुपर्ब लगी, लाइक इससे पहले मैंने कोई भी सेरम की इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं देखी है। एकदम सॉफ्ट, एकदम वेलवेटी, मतलब इसको यूज करने के बाद ऐसा लगता है कि आप कोई जेल को रब कर रहे हो अपने हाथ पे। अदरवाइज काफी सेरम की जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर कंसिस्टेंसी होती है, बट इसकी थोड़ी सी लाइक जेल टाइप की कंसिस्टेंसी है जो इजिली स्किन के अंदर सॉक इन हो जाएगी एंड एक प्यारा सा स्मूथ सा आपको टेक्स्चर प्रोवाइड करेगी स्किन पे। सो इनफैक्ट अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो मैं आपको बोलूंगी कि इसके बाद आपको अलग से कोई मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है, इतना अच्छे से आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करके चलता है। हाइलोनुरिक एसिड है, एलोवेरा है, तो बेसिकली ये अच्छे से हाइड्रेट करता है स्किन को। सो मैं तो इसको यूज करने के बाद कोई अलग से मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हूँ। सो गाइस, ये थी हमारे प्रोडक्ट की डिटेल एंड ऑल। अभी मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो पहले मैं आपको बिफोर क्लिप दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो मेरे फेस की हालत, आई डोंट नो कि क्यों इतना क्या हो गया, कोई ऐसा प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिया था जिसके बाद मुझे काफी सारे एक्ने हो गए थे जो मुझे सूट नहीं किया था मेरी स्किन पे। एंड यू कैन सी लाइक चिन एरिया पे काफी ज्यादा एक्ने हैं और एक्ने मार्क्स भी आप देख सकते हो। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट रिएक्शन होता है ना, मुझे ये जो मेरा चिन एरिया ना, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा पिंपल होते हैं और फिर उनके मार्क्स, पिगमेंटेशन वो तो रह ही जाती है। सो या यू कैन सी बहुत बुरी हालत है फेस की। एंड इस पे भी देख सकते हो आप काफी ज्यादा
पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं और एक्ने के जो रेड मार्क्स है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। सो ये थी मेरे बिफोर की, जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया था उससे पहले की क्लिप। मैं बताती हूँ कि 20 डेज के बाद जब इस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया था तब मेरी हालत कैसी थी। सो नाउ यू कैन सी, मतलब जो एक्ने थे वो तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, काफी नॉर्मल हो गई है मेरी स्किन। जो एक्ने के रेड मार्क्स थे ना, क्या करता है, पहले एक्ने के रेड मार्क्स को कम करता है, फिर उसके बाद में इन्फ्लामेशन को कम करता है, एंड देन वो आपके एक्ने को पूरा बिठा देता है, लाइक मार्क्स नहीं छोड़ के जाता है एक्ने। इनफैक्ट जो पुराने मार्क्स थे मेरे, जो पिगमेंटेशन थी, जो एक्ने स्कार्स थे, वो भी काफी ज्यादा फेड आउट हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, थोड़े से दिख रहे हैं बट इतना ज्यादा विजिबल नहीं है, कोई ध्यान से पास से आके देखेगा तो ही दिखेगा। ऑल्सो आपको स्किन के टेक्सचर में भी फर्क नजर आ रहा होगा, स्किन का जो टेक्सचर है वो पहले की क्लिप से अभी के क्लिप में काफी ज्यादा अच्छा है, स्किन ग्लोई नजर आ रही है, टेक्सचर अच्छा लग रहा है, ओवरऑल मतलब स्किन लग रही है कि हेल्दी है, कोई अच्छा प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ। सो बेसिकली मुझे इसका सबसे अच्छा फायदा ये लगा कि स्किन के टेक्सचर में, स्किन का जो, ये नहीं मैं आपको बोलूंगी कि ब्राइट बना देगा, आप गोरे दिखोगे, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आएगा, यस ये स्किन को हेल्दी रखता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और जो भी पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स है, उनको कम करता है, और स्किन का जो पीएच लेवल है ना, मतलब स्किन आपकी हेल्दी नजर आती है इसको यूज करने के बाद। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस, आई लव दिस प्रोडक्ट। यस मेरी जो स्किन का टाइप है दैट इज वेरी मच ऑयली एंड सेंसिटिव, मैं कोई भी प्रोडक्ट गलत यूज कर लेती हूँ जो मुझे सूट नहीं करता है तो जल्दी से रिएक्ट हो जाता है, बट इसको यूज करने के बाद मुझे बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा माइल्ड है, काफी ज्यादा अच्छे हैं, और अल्फा आर्बिटिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, लाइक विटामिन सी होता है कि आपकी स्किन के पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को कम करता है, विटामिन सी काफी लोगों को सूट नहीं करता है जिनकी सेंसिटिव स्किन है, बट अल्फा आर्बिटिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, स्किन को बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। सो यस डेफिनेटली अगर आपको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम है, एंड यस सारे प्रोडक्ट्स यूज करके थक गए हो आप, तो प्लीज एक बार इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। विद इन 20 से 25 डेज में आपको फेड आउट होने लगेंगे आपके जो भी निशान है, और स्किन का टेक्सचर इंप्रूव लगेगा। सो या एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है आपका, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इतना सा भी अच्छा लगा ना, तो लाइक जरूर से कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी गाइस। सो या मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।